बिलासपुर के कांग्रेसी नेताओं ने सिविल लाइन थाने में भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस के ऊपर हुए तोड़फोड़ पर बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का आरोप लगाकर कांग्रेस द्वारा बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस पूरे मामले में सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के बयान को उदयपुर की घटना के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया, जिससे कि देश में क्रांति पैदा हो सके। सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा कि देश में शहर का माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के बयान को जबरदस्ती तोड़ मड़ोड़ कर सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग करती है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में एफआईआर किया गया भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवर्धन राठौर और चार अन्य सांसद और विधायकों ने जिस तरह से राहुल गांधी जी के वायनाड के कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना का राहुल गांधी ने जिक्र किया और उस घटना को उदयपुर की घटना से जोड़कर इन्होंने ट्विटर हैंडल में और फेसबुक और अन्य जगह सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया, जिससे इस देश की जनता दिग्भ्रमित हो और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए हैं, उसके लिए हम लोगों ने एफआईआर किया है और इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसने जो धर्म और जाति की आड़ में जिस तरह की भावनाओं को, लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो इस अब इनको बंद करना चाहिए और देश हित में काम करना चाहिए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जो है एक समाचार को लेकर के और उसको ट्विटर और फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया में शेयर करने पर भ्रामक सूचना फैलाने के संबंध में धारा 505 के तहत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो है लिखित आवेदन पर से एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें किसका नाम सामने आया है? इसमें जनप्रतिनिधि हैं, 5 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ किया गया है।